Hello dear student, I am teacher of class 3rd. Today I am going to teach you computer chapter 1st semester 2 introduction of MS Word. गाइस स्टार्ट करेंगे परिचय मतलब इंट्रोडक्शन आवेदन एप्लीकेशन प्रसंस्करण प्रोसेसिंग थोड़े कंप्यूटर की लैंग्वेज में थोड़े से वर्ड्स हैं तो उनको हम उसी कंप्यूटर की लैंग्वेज में ही रीड करना होता है तो कोशिश करेंगे थोड़ा सा पढ़ने की प्रसंस्करण प्रोसेसिंग यानी कि प्रक्रिया बनाना क्रिएट दस्तावेज डॉक्यूमेंट पत्र लेटर रिपोर्ट रिपोर्ट लोकप्रिय पॉपुलर निबंध ऐसे आसान सिंपल बर्तनी स्पेलिंग को करेक्ट करते हैं बर्तनी गलती मिस्टेक व्याकरण ग्रामर प्रतिलिपि यानी कॉपी चिपकाना यानी पेस्ट पदार्थ मैटर बनाना में अलग डिफरेंट नेक्स्ट दिया है आपका स्टाइल यानी कि शैलियाँ स्टाइल्स और फिर दिया है फॉन्ट को हम फॉन्ट ही रीड करेंगे नेक्स्ट दिया है ऑप्शन विकल्प प्रदान करता काम करता है वर्किंग फ्रिक्वेंटली यानी लगातार फिर दिया है आदेश यानी कमांड मेन्यू मीन्स मेन्यू टेक मीन्स लेना दिया है स्टैंडर्ड यानी कि स्टैंडर्ड मानक फिर दिया है रूपांतरण फॉर्मेटिंग नेक्स्ट है आपके पास टूल बार और नेक्स्ट दिया हुआ है प्रदान करता है डिस्प्ले सॉरी दर्शाता है इंडिकेट नेक्स्ट सवाल वे रास्ता या मार्ग नेक्स्ट दिया है भी आल्सो प्रदान करता है प्रोवाइड विभिन्न वेरियस विशेषताएं फीचर्स बदलना चेंजिंग दिखावट अपीयरेंस आकर्षक अट्रैक्टिव जल्दी से क्विकली आसानी से इजीली नेक्स्ट दिया है जोड़ना एडिंग फिर हम आते हैं फॉन्ट तो हमने रीड कर लिया था सजाना डेकोरेट कई मीन्स मैनी इनबिल्ट मीन्स बनाना या बनाया इनबिल्ट को क्या बोलते हैं बनाया इनबिल्ट खुला ओपन क्लिक प्रोग्राम शुरू स्टार्ट प्रदर्शन डिस्प्ले नेक्स्ट दिया है नाम नेम कार्यालय सॉरी वर्तमान करंट फिर उसके बाद आता है के साथ विद फिर हम देखेंगे अभी हमने कहाँ तक रीड किया था इंडिकेट दर्शाता है रीड कर चुके थे फिर आते हैं अब कर्सर मीन्स कर्सर जगह प्लेस रूलर मीन्स हाई ऊंचाई मीन्स हाइट चौड़ाई विथ फिर दिया स्क्रॉल क्या होते हैं सिर्फ चैप्टर में देख रीड करेंगे देखेंगे क्या होता है फिर मदद करता है हेल्प फिर दिया है चलना मूव मीन्स चलना अप मीन्स ऊपर डाउन मीन्स नीचे राइट मीन्स यहाँ क्या दिया है राइट मीन्स बायां लेफ्ट मीन्स दायां चलिए अब देखेंगे चित्र ड्रॉइंग कुछ सारे वर्ड्स हमको ऑलरेडी पता है चित्र ड्राइंग स्थिति स्टेटस जानकारी इंफॉर्मेशन पेज लुक देखो या देखना स्क्रीन मीन्स स्क्रीन निमिष रेखा यानी कि ब्लिंकिंग लाइन जो आती जाती रहती है देखेंगे क्या है रेखा लाइन दिशा साइड बुलाया कॉल्ड चादर रैप डालना इंसर्टिंग की अनुमति देता है अलाउ मौजूदा एग्जिस्टिंग नया न्यू विशेषताएं कैरेक्टर फीचर्स भी होता है फीचर और कैरेक्टर दोनों को हम क्या बोलते हैं विशेषताएं फिर आता है सिलेक्ट यानी चयन करना प्रदर्शन को डिस्प्ले भी परफॉर्म भी पकड़ना होल्ड अनुच्छेद पैराग्राफ तीन ट्रैपल ट्रिपल और संपूर्ण एंटायर फिर बदलना चेंजिंग स्टेप यानी कदम नेक्स्ट आता है चूज यानी कि चुना फिर आता है चलिए एनीवेयर कहीं भी फिर दिया है आपका फ्यूचर भविष्य नेक्स्ट आता है अपीयर दिखाई और नेक्स्ट एंड लास्ट नहीं है डायलॉग मीन्स संवाद अब आगे का देखेंगे करो क्या कहाँ तक रीड कर लिया था रेखा हो गई लाइन हो गया दिशा हो गया फिर हाँ पता चला शोन फिर नेक्स्ट दिया है नोटिस ध्यान देना सर्चिंग रीचिंग पहुंच जाना या पहुंच चुका ऑटोमेटिकली अपने आप फिर आता है शिफ्टेड यानी कि शिफ्टेड मीन समझते हैं ना शिफ्ट कर दिया यहाँ से उठाकर कहीं और रख दिया फिर नेक्स्ट आता है नेक्स्ट यानी अगला फिर फीचर्स विशेषताएं रिपीट हो रहा है वर्ड बार बार कैरेक्टर हमने रीड कर लिया था सिलेक्ट कर लिया था परफॉर्म हो गया फिर हम आते हैं कार्य यानी एक्शन पर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट हम आते हैं नीड जरूरत हाईलाइटेड प्रकाश डालना
ड्रैग यानी चलाना या खींचना, ओवर ऊपर, डबल दोहरा, इस सेंटेंस यानी वाक्य। फिर उसके बाद आते हैं हम एनिवियर तक रीड कर चुके थे, फ्यूचर डायलॉग संवाद हो गया, फिनिशिंग फर्निशिंग है होना, नेक्स्ट या ऑलरेडी यानी कि पहले से, एग्जिट बाहर निकलना, और नेक्स्ट आता है आपके पास कंप्यूटर मींस कंप्यूटर, और नेक्स्ट एंड लास्ट है क्लोज, क्लोज मींस बंद। वोकैबुलरी कंप्लीट हो चुकी है, नेक्स्ट चैप्टर रीड करेंगे। अब हम चैप्टर को रीड करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस वर्ड क्या होता है। प्रीवियस क्लास में मैडम ने आपको प्रैक्टिकल कराया था, जब हमारा लॉकडाउन नहीं था, क्लासेस रनिंग थी, तब मैम ने लैपटॉप पे आपको कंप्यूटर पे बताया होगा ना, एमएस वर्ड में वर्क करना सिखाया था मैडम ने, तो बस उसी एमएस वर्ड को हमें क्या करना है, आप रीड करना है कि ओपन कैसे करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, छोटा सा जरा सा है, जल्दी से लर्न करेंगे। हेलो स्टूडेंट यानी हेलो बच्चों, एमएस वर्ड इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या है, एमएस वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका, ठीक है, इट मींस दैट वी कैन क्रिएट डॉक्यूमेंट लाइक लेटर्स रिपोर्ट ईटीसी इन एमएस वर्ड। इट मींस यानी इसका मतलब होता है जहां पर हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट मींस बना सकते हैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट, कैसे भी डॉक्यूमेंट, चाहे आपका लेटर हो, रिपोर्ट हो या फिर कुछ भी, वो कहाँ बना सकते हैं, केवल एमएस वर्ड में। ये पूरी फाइल जो पूरा पेज दिख रहा है ये कहाँ पर बना है, एमएस वर्ड में, है ना। चलिए, एमएस वर्ड इज अ पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय चलने वाला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ किया जाता है क्रिएट करने के लिए। क्या क्रिएट करने के लिए, टेक्स्ट क्रिएट करना मीन्स बनाना, बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मतलब जो भी पूरा मैटर लिखा हुआ है, जो हम रीड कर रहे हैं, ये सब क्या है, टेक्स्ट मैटर है, ये क्या है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, जो इसी तरीके के जो नोट्स लिखे जाते हैं, क्या है, कुछ भी, कोई भी आपको लेटर लिखना हो, एप्लीकेशन लिखना हो, कुछ भी लिखना हो, वो सारे कहाँ लिखे जाते हैं, एमएस वर्ड में, है ना। इन अ सिंपल वे, अगर हम सिंपल वे में बात करें तो ये सारी चीज़ें कहाँ राइट की जाती है, लिखी जाती है, एमएस वर्ड में। इट ऑल्सो ये क्या करता है, प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड यानी प्रदान करता है वेरियस फीचर, यानी कि अलग अलग इसकी विशेषताएं भी है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को आसान मतलब कि क्या दिया है, चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट दैट लेट्स यू क्रिएट अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट क्विकली एंड ईजिली, जिससे हम अपना डॉक्यूमेंट क्या कर सकते हैं, ईजिली यानी आसानी से, क्विकली में ना जल्दी से क्या कर सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं, यानी कि लोकप्रिय आकर्षक बना सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस पेज को देख पा रहे हैं, ये आकर्षक कैसे है, एमएस वर्ड इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड कैसे दिखा है, रेड कलर में, इसका फॉन्ट अलग है, इसका फॉन्ट अलग है, इसके कलर अलग है, ये अलग है, इसको बॉक्स में किया है, तो ये पूरे पेज को क्या अट्रैक्टिव किस में बनाया गया है, पूरा एमएस वर्ड में। नेक्स्ट हम आते हैं, What can do in MS Word? अब हम बताएंगे, जैसे कि मैं आपको रिपीट कर चुकी हूँ, आप दोबारा से रिपीट करना है वही वर्ड, कि हम डॉक्यूमेंट MS Word में क्या कर सकते हैं, What can do? मतलब what means क्या, can means सकते हैं, you means आप क्या कर सकते हैं MS Word में, Type text by adding picture in a document, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अपने डॉक्यूमेंट में आप पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, जो बॉय खड़ा हुआ था अभी पिक्चर में, वो किस तरीके से आया, वो MS Word में हम पिक्चर भी इसको ऐड कर सकते हैं। चेक स्पेलिंग मिस्टेक एंड ग्रामर, अपनी स्पेलिंग और मिस्टेक जितनी भी होती है वो भी चेक कर सकते हैं इसमें। कॉपी एंड पेस्ट द मैटर इन अ डॉक्यूमेंट, अपनी कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट क्या होता है, मैंने लिखा हुआ है डिफरेंट, क्या लिखा हुआ है डिफरेंट को मैं यहाँ पेस्ट करना चाहती हूँ, यहाँ चाहती हूँ यहाँ पे भी लिख कर आ जाए, तो ये फीचर्स भी कहाँ हमारे पास पॉसिबल है, एमएस वर्ड में हम इसे क्या कर सकते हैं, कॉपी करके पेस्ट यहाँ कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट लाइन कह दिए पहले, मेक एनी चेंजेस इन अ डॉक्यूमेंट, कोई भी चेंज करना हो हमें अपने डॉक्यूमेंट में तो हम एमएस वर्ड में कर सकते हैं। मेक अ डॉक्यूमेंट अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जैसे कि हमने आप ऊपर रीड किया था, अब डिफरेंट स्टाइल ऑफ फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, अभी रेड कलर का फॉन्ट है, ये ब्लैक कलर का फॉन्ट है, ये ब्लू कलर में आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट को चेंज करके भी अपने, या फिर कैपिटल लेटर ना हो, स्मॉल लेटर चाहिए, स्मॉल लेटर नहीं कैपिटल लेटर चाहिए, तो वो इस तरीके से भी हम अपने डॉक्यूमेंट को क्या बना सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं। डेकोरेट अ डॉक्यूमेंट, डेकोरेट भी कर सकते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट को। अब ओपन आ एमएस वर्ड, खोलते कैसे एमएस वर्ड, सारे बच्चों को आता होगा, आता है ना, फिर भी एक बार रिवाइज करवा देते हैं।
सबसे पहले क्या करते हैं एमएस वर्ड को, यहाँ पर होता है स्टार्ट बटन, सभी को पता है स्टार्ट बटन पे, जैसे ये देखो ये दिया है, स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, एमएस ऑल प्रोग्राम आया, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक किया, यहाँ पर गए एमएस ऑफिस में, एमएस ऑफिस पे क्लिक करते ये लिखा हुआ है एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट, एमएस ऑफिस का मतलब पूरा नाम क्या है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करते से ही हमने किस पर आ गए एमएस वर्ड में। नेक्स्ट, टाइपिंग इन एमएस वर्ड, टाइप कैसे किया जाता है, पूरा मैटर बना कैसे है एमएस वर्ड में, क्या करेंगे, लुक एट द एमएस वर्ड स्क्रीन, स्क्रीन एमएस वर्ड स्क्रीन दिख रही है ये है, दिस इज कॉल्ड एमएस वर्ड स्क्रीन, इस स्क्रीन को हम एमएस वर्ड स्क्रीन बोलते हैं। यू कैन सी अ ब्लिंकिंग लाइन, आपको एक लाइन दिखेगी ब्लिंकिंग, ये दिख रही है, दिखाई दे रही है, एक छोटी सी लाइन होती है जो बार बार क्या करती रहती है, आती जाती रहती है, बार बार दिखाई देगी गायब होगी, दिखाई देगी गायब होगी, तो वो क्या करती है मतलब झपकी सी लेती रहती है, आती जाती रहती है, तो वो लाइन दिखाई देगी। अब हमको क्या करना है, लेफ्ट साइड यानी उल्टे हाथ की तरफ आपको यहाँ पर वो लाइन दिखाई देगी, आप क्या करेंगे, दिस इज अ कर्सर, उसी को हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को क्या बोलते हैं कर्सर, इट मींस इसका मतलब है कि आप उससे कहाँ कर सकते हैं, आप यहाँ से टाइप करना स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ से आप जैसे ही टाइप करते जाएंगे तो लाइन आपकी आगे आगे फॉरवर्ड होती जाएगी। हो गया टाइपिंग। नेक्स्ट, इंसर्टिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को कैसे इंसर्ट करते हैं, यानी कि लगाते कैसे, टेक्स्ट ऐड कैसे करते हैं, एमएस वर्ड अलाउ यू टू ऐड न्यू टेक्स्ट इन अ एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, आप कुछ भी नया चीज अगर ऐड करना है, जैसे कि ये दिया है एग्जांपल दिया है, ये लिखा था हाउ आर यू, आपको क्या लिखा था हाउ आर यू, लेकिन मैं तो अरे यार शिट मैं क्या भूल गई, मैं हेलो लगाना भूल गई, तो मुझे हेलो ऐड करना है, कैसे करेंगे, हम एमएस वर्ड में हेलो भी ऐड कर सकते हैं, कैसे, टू इंसर्ट, प्लेस द कर्सर टू द राइट ऑफ द कैरेक्टर वेयर यू वॉन्ट टू इंसर्ट द टेक्स्ट, आपको जहाँ भी अपना कैरेक्टर, जहाँ भी नई चीज ऐड करनी है, आप वहाँ पर पहले सबसे क्या करेंगे, कर्सर को लेकर जाएंगे, कर्सर को क्लिक किया, क्लिक हो गया, वहाँ पर हमने टाइप किया हेलो, और फिर बस वहाँ पर टाइप हो जाएगा इन सिंपल वर्ड। इतना सारा डिटेल पढ़ने से अच्छा है कि मैं आपको इतना बताऊँ कि कर्सर लिया, माउस से कर्सर को हम मूव करके कहाँ ले गए, हाउ के आगे लगाना है ना, तो हाउ के आगे क्लिक किया और वहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया, हेलो आ गया, फुट हो गया, इंसर्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या था, सिलेक्टिंग अ टेक्स्ट, सिलेक्ट कैसे किया जाता है टेक्स्ट को, टू परफॉर्म एनी एक्शन ऑन द टेक्स्ट टू मेक चेंजेस वी नीड टू फॉन्ट, फर्स्ट सिलेक्ट द टेक्स्ट, सबसे पहले क्या करना होता है, अगर मुझे कोई भी चीज में कुछ भी करेक्शन करना है, कोई भी चीज को एडिट करना है, कोई भी काम को कर एक्शन मीन्स कार्य को चेंजेस करना है, तो हमें सबसे पहले उस टेक्स्ट को क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है। सिलेक्ट कैसे किया जाता है, बहुत आसान तरीका है, ड्रैग द माउस, आपको क्या करना है, माउस को ड्रैग करना है, ड्रैग मीन्स खींच कर ले जाना है, पहले आपका कर्सर यहाँ पर है, आपको ये एक्शन को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, कैसे करेंगे, इस माउस को क्लिक करके, क्लिक को दबाए रखना पड़ेगा, दबाए रखना पड़ेगा और ऐसे खींच कर ले जाना है, कहाँ तक, एन तक, यहाँ से खींच के यहाँ तक ले जाना है, यहाँ खींच कर लेगा तो ये क्या होगा, ब्लू लाइन के अंदर आ जाएगा, ये क्या होगा, ब्लू लाइन के अंदर आ जाएगा, इट मींस ये क्या हो गया है, सिलेक्ट हो चुका है ना। नेक्स्ट वर्ड सिलेक्ट करना बताया था, ये पहले ही मैंने बता चुकी हूँ कि हेलो को अगर मुझे सिलेक्ट करना होगा तो मैं क्या करूंगी, कर्सर को यहाँ लाऊंगी, उसे खींच कर ले जाऊंगी, यहाँ तक कर दूंगी, तो ये ब्लू लाइन के अंदर आ गया, इट मींस ये क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। नेक्स्ट आता है कि टू सिलेक्ट अ सेंटेंस, पूरे सेंटेंस को अगर सिलेक्ट करना हो तो मैं क्या करूंगी, कुछ नहीं करना है, हमें केवल डबल क्लिक करना है, जहाँ कर्सर पे ले गए उस लाइन पे क्लिक किया और डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हम इसे पूरी लाइन को, पूरे सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पूरा सिलेक्ट अ पैराग्राफ, अब सिलेक्ट करना हो पूरे पैराग्राफ को तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल वे है, हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ट्रिपल क्लिक, जब अभी डबल क्लिक कर रहे थे अब ट्रिपल क्लिक करना है, ट्रिपल क्लिक करेंगे, तीन बार क्लिक एक साथ करेंगे तो हमारा पूरा पैराग्राफ क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा, यानी कि ब्लू लाइन के अंदर, ब्लू उसके अंडरलाइन में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है टू सिलेक्ट एंटायर डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट को, जितना भी लिखा था पूरे को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन एडिट, एडिट मेन्यू पे जाएंगे, एडिट मेन्यू क्या होता है वो हम अभी बताएंगे आपको, एडिट पे जाएंगे, एडिट में क्लिक करके सिलेक्ट ऑल ऑप्शन, सिलेक्ट ऑल ऑप्शन का ऑप्शन आता है, वहां पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, पूरा ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है चेंजिंग फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर को कैसे चेंज करते हैं, फॉन्ट कलर को चेंज करने के लिए क्या करना होता है, जैसे कि अभी ये क्या लिखा है, कलर या फॉन्ट या कुछ भी लिखा है, ये ब्लैक में लिखा है, ये रेड में लिखा है, तो इसको रेड करने के लिए या ब्लैक करने के लिए क्या किया था, तो क्या किया था हमने, पहले हम फॉन्ट कलर में जाएंगे, फॉन्ट कलर बटन मिलेगा कहाँ पर हमको, फॉर्मेटिंग टूल बार में, हमारे पास एक फॉर्मेटिंग टूल बार होता है, वो देखेंगे क्या कहाँ होते हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार में हम जाएंगे,
तो उसमें क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग टूल वाले ऐसे कलर बॉक्स आएगा, वहां पर जो भी कलर हमें चाहिए उस पर क्लिक करेंगे और वो हमारा कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं, कोई भी कलर चेंज हो गया, इस तरीके का सिंबल बना आता है ए का, ये फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर इस तरह का सिंबल बनाता है, वहां पर क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो खुलकर आ जाएगी और हमारा कलर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, और भी टाइप दिए है, और तरीका भी दिया है, हमें क्या करना होगा, फिर पूरी डिटेल दी हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन, लेकिन इतना लंबा जाना नहीं है, हमें केवल इतना वर्क करना है। नेक्स्ट, अब आगे को चैप्टर को रीड करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फॉर्मेट, जैसे मैं बताती जा रही हूँ सेव कैसे करते हैं, वो फॉर्मेटिंग कलर्स कैसे चेंज करते हैं, ये क्या करना है, वो क्या करना है, तो आपको पता ही नहीं है कि फॉर्मेटिंग टूल बार क्या होता है, टूल बार क्या होता है, फाइल मेन्यू क्या होती है, तो हम सबसे पहले इनको रीड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है टाइटल बार, जो सबसे ऊपर की पट्टी होती है जहाँ पर जिसका नाम लिखा होता है, एमएस वर्ड, अगर मैंने अपने नाम से फाइल बनाई तो मेरा जो नाम लिखा होगा उसको हम बोलते हैं टाइटल बार। उसके बाद आता है मेन्यू बार, इसमें अगर हो रेस्टोरेंट में जाते हैं, कोई भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ मेन्यू मिलता है, मेन्यू कार्ड मिलता है हमको कि हमारे पास कितनी कितनी चीज़ें हैं हम अवेलेबल करा सकते हैं, तो उससे क्या करेंगे, हमें पता चल जाता है कि भाई आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, हम वही चीज़ ऑर्डर करते हैं। उसी तरीके से एम एस वर्ड ये बताता है कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, वो यहाँ मेन्यू में सब कुछ लिखा हुआ है, मैं इतने काम कर सकता हूँ, है ना, तो वहाँ ये इसको बोलते हैं हम मेन्यू बार, इसको क्या बोलते हैं, मेन्यू बार। नेक्स्ट हमारे पास आती है स्टैंडर्ड टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार उसी के जस्ट नीचे होता है स्टैंडर्ड टूल बार, फिर उसी के साथ में होता है, उसी के साथ में होता है फॉर्मेटिंग टूल बार, उसी के साथ क्या होता है आपका फॉर्मेटिंग टूल बार साथ में। उसके बाद एक हेल्प का ऑप्शन भी आता है, वो यहाँ लिखा होता है हेल्प का ऑप्शन। स्क्रोल बार, स्क्रोल बार क्या होता है, ये होता है स्क्रोल बार, इसमें क्या करते हैं, स्क्रोल बार में कुछ नहीं करते, ऊपर नीचे हमें जो पेज लिखा हुआ है, कई चीजें हमारे पास ऊपर लिखी होती है नीचे लिखी होती है, तो ऊपर नीचे करने के लिए स्क्रोल बार दो होते हैं, एक ये होता है अप टू डाउन और एक होता है लेफ्ट टू राइट, है ना। अगर हमें कोई भी आगे और पीछे देखना होता है तो हम यहाँ यूज करते हैं, और अप एंड डाउन देखना होता है तो इस स्क्रॉल बार का यूज करते हैं। फिर आती है रूलर, रूलर लाइन भी दो होती है, टू होती है, एक ये होती है और एक साइड होती है, वो इसका यूज किस लिए किया जाता है, पेज सेटअप के लिए इसका यूज किया जाता है। बस इतना ही था इसमें, और ज्यादा कुछ हमें जानना नहीं है। फिर हम आते हैं आगे, सेविंग डॉक्यूमेंट। अब मैं अपना डॉक्यूमेंट मैंने बना लिया, कलर चेंज कर लिया, बहुत अट्रैक्टिव बना लिया, अब उस डॉक्यूमेंट को मैं सेव भी करना चाहती हूँ, नहीं तो क्या होगा, आज मैंने जितनी भी मेहनत की है और कंप्यूटर सिस्टम बंद होगा और कल क्या हो जाएगा, वो चला जाएगा, फिर मैं मैम को कैसे दिखाऊंगा कि मैंने अपना वर्क कैसे किया था, कितना अट्रैक्टिव बनाया था अपने डॉक्यूमेंट को। तो हमें मैम ने सेव करना भी बताया था, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो सेव कैसे करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, सेव करने के लिए क्या करना होगा आपको, अपने पहले सबसे क्या करेंगे, क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू में जाएंगे, फाइल मेन्यू में एक सेव का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे और वहां से फिर एक विंडो खुलकर आएगी, देखेंगे कैसे ये फाइल है। फाइल के अंदर एक देखो, देख पा रहे हैं आप, सेव का ऑप्शन आता है, फिर जैसे ही सेव पर क्लिक करते हैं एक और विंडो खुलकर आती है, और उस विंडो पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो वहां पर हमारे पास ऑप्शन मांगता है वो कि आप किस नाम से उसको सेव करना चाहते हो, अपने नाम से, पापा के नाम से, क्लास के नाम से, या कोई और अदर नेम, तो आप उसे सिलेक्ट करेंगे, मतलब नाम को राइट करेंगे और फिर वहां पर क्या करेंगे, ओके बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके बटन पर क्लिक होगा आपकी फाइल क्या होगी, डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा, फिर नेक्स्ट डे आप उसको ओपन करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है, दिया जाता है, ठीक है। अब हमें क्या, सेव हो गए डॉक्यूमेंट, अब डॉक्यूमेंट को क्या करना है, ओपन करना है। तो कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम सीधे सीधे फाइल मेन्यू में जाएंगे वापस, वहां पर हमें ओपन का ऑप्शन मिलेगा, ओपन पर क्लिक किया, फिर से एक और विंडो खुल कर आएगी जैसे कि मैंने आपको बताया था, और वहां पर हम क्या, या तो अपना नाम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे जिस नाम से भी मैंने फाइल को सेव किया था, या फिर यहाँ पर देख लेंगे, कई बार यहाँ पर ऑप्शन आ जाते हैं तो वहां से करेंगे, और फिर क्या आएगा, ओके, ओके का बटन पर क्लिक करेंगे, हमारी फाइल खुलकर सामने आ जाएगी। नेक्स्ट, अब क्या करना है, एग्जिट फ्रॉम एमएस वर्ड, एमएस वर्ड से बाहर कैसे निकलते हैं, बहुत अच्छा आसान तरीका है। आफ्टर कंप्लीट द ऑल वर्क, जितना ही हमने वर्क कंप्लीट कर लिया उसके बाद हमें क्या करना होता है, क्लोज करना होता है, तो क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लिक द फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू पे वापस आएंगे, सबसे नीचे लास्ट में मिलेगा, बॉटम में क्या मिलेगा, एग्जिट, एग्जिट पर क्लिक करेंगे और हम क्या करेंगे, एमएस वर्ड से क्या हो गए, क्लोज करके बाहर निकल आएंगे। नेक्स्ट आता है, ठीक है, उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज, साइज में हम सबसे पहले दिया है टिक द करेक्ट ऑप्शन, रीड करेंगे, एमएस वर्ड इज अ सॉफ्टवेयर, ऑफ एमएस वर्ड कैसा सॉफ्टवेयर है, मैंने अभी बताया था वर्ड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट आता है, इट इज अ स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन ऑन द डॉक्यूमेंट एरिया, डॉक्यूमेंट एरिया पे जो ब्लिंकिंग लाइन हमको दिखाई देती है उसे हम क्या बोलते हैं, कर्सर। नेक्स्ट आता है टू ओपन अ सेव डॉक्यूमेंट, अगर जो हमने सेव डॉक्यूमेंट को ओपन करना है, मैंने कल क्या किया था, सेव किया था, आज मुझे वापस ओपन करना है, तो शॉर्टकट की क्या होगी, शॉर्टकट की होगी उसकी कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल के साथ सी टी आर एल करके की होती है, कंट्रोल
के साथ हम ओ को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे और दबाएंगे, पुश करेंगे तो क्या होगा, वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट, ओपन ऑप्शन इज प्रेजेंट अंडर, ओपन ऑप्शन कहाँ मिलता है हमको, फाइल मेन्यू में, अभी बताया था। फिर दिस बार डिस्प्ले द नेम ऑफ अ डॉक्यूमेंट, ये बार क्या करता है, जो भी डॉक्यूमेंट हमारा बना था उस पर हमारा नाम शो करता है उस विंडो को, उसको उसको क्या बोलते हैं, मैंने अभी बताया था सबसे ऊपर टॉप की लाइन होती है, क्या बोलते हैं उसको, उसको हम बोलते हैं टाइटल बार, क्या बोलते हैं टाइटल बार। नेक्स्ट आता है राइट रॉन्ग, राइट रॉन्ग में सबसे पहले है एमएस वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, राइट और रॉन्ग, हाँ है ना। नेक्स्ट राइट है यू कैन नॉट सेव, हम अपने फाइल को सेव नहीं कर सकते एमएस वर्ड में, रॉन्ग, तो रॉन्ग क्लोज करेंगे, वहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन विंडो एंड डॉक्यूमेंट विंडो आर द सेम इन एमएस वर्ड, जो दोनों एमएस वर्ड में जो विंडो होती है एप्लीकेशन विंडो और डॉक्यूमेंट विंडो वो सेम होती है, नहीं, रॉन्ग, क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट आता है टू क्लोज द एमएस वर्ड विंडो यू चूज एग्जिट फ्रॉम द फाइल मेन्यू, हाँ अगर आपको विंडो को क्लोज करना है एमएस वर्ड को क्लोज करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, कहाँ चूज करेंगे, फाइल मेन्यू में जाकर एग्जिट को चूज करते हैं, यस राइट करेंगे। नेक्स्ट आता है द स्टेटस बार इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड विंडो, एमएस वर्ड में स्टेटस बार जो होता है वो क्या प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड बटन्स फॉर ड्रॉइंग लाइन, ड्रॉइंग लाइन के लिए वो लाइनें प्रोवाइड कराता है ये, हाँ कराता है, लाइनें बनी होती है ना वो, तो आंसर इज राइट। नेक्स्ट आता है फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स को रीड करेंगे, टू ओपन अ सेव डॉक्यूमेंट यू चूज, आपको फाइल को ओपन करने के लिए डॉक्यूमेंट को हमें क्या चुनना होता है, फाइल मेन्यू के अंदर क्या चुनते हैं, ओपन, ओपन करना है ना तो ओपन चुनेंगे। नेक्स्ट डैश इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, क्या है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड, द नेम ऑफ अ डॉक्यूमेंट जो नाम लिखा होता है ऊपर डिस्प्ले में दिखाई देता है उसे हम क्या बोलते हैं, टाइटल वर्ड। नेक्स्ट आता है यू नीड टू डैश योर फाइल्स बिफोर क्लोजिंग देम, सारी फाइल्स को क्लोज करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, उसे सेव करना चाहिए, नेक्स्ट, या सेव की जरूरत होती है। नेक्स्ट द डैश फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड ऑटोमेटिकली शिफ्टेड द टैग्स इन द नेक्स्ट लाइन, किसमें होती है, किसके थ्रू आप नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, वर्ड रैप के थ्रू, वर्ड रैप के थ्रू। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन आंसर पे, क्वेश्चन आंसर में रीड करेंगे, गिव थ्री यूजेस ऑफ एमएस वर्ड, एमएस वर्ड के तीन यूजेस बताने हैं, नंबर वन से स्टार्ट करेंगे टाइप टेक्स्ट बाय एडिंग पिक्चर इन अ डॉक्यूमेंट, हम क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, एडिट मतलब टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं साथ ही साथ पिक्चर में ही ऐड कर सकते हैं उसमें। चेक स्पेलिंग एंड मिस्टेक ग्रामर, आप हम चेक भी कर सकते हैं अपनी जो भी मिस्टेक हुई है, स्पेलिंग हुई है, स्पेलिंग की जो मिस्टेक्स हुई है और साथ ही साथ ग्रामर की जो मिस्टेक्स है उसको चेक कर सकते हैं। कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट में डॉक्यूमेंट कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड रैप, वर्ड रैप क्या होता है, तो वर्ड रैप क्या, सॉरी क्वेश्चन नंबर टू छूट गया है, अभी हम इसे रीड करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज अ वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर क्या है, अ वर्ड प्रोसेसर इज अ सॉफ्टवेयर, ये एक सॉफ्टवेयर है, और अ डिवाइस, ये एक डिवाइस भी हो सकता है, या तो सॉफ्टवेयर है या डिवाइस है, दैट अलाउ, जो कि क्या करता है, हमें अलाउ करता है यूजर टू क्रिएट, जो यूजर को क्या करता है, अलाउ करता है बनाने के लिए एडिट और प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट, कोई भी चीज एडिट करनी है या प्रिंट करनी है किसी भी डॉक्यूमेंट में, तो इस तरह के डॉक्यूमेंट को बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट व्हाट इज अ वर्ड रैप, वर्ड रैप क्या होता है, व्हेन अ लाइन रीचिंग द एंड ऑफ द एंड लाइन योर कर्सर, जब आपकी लाइन क्या हो गई, मैं लिखते 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 यहाँ पर आई, एंड पर आई, और फिर यहाँ से मुझे वापस अब आगे जगह ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है, तो जो अपने आप ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली मीन्स अपने आप जो लाइन चेंज होती है, शिफ्टेड होती है, शिफ्ट हो जाती है टू द नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन में आ जाती है, उसी को हम वर्ड रैप बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ड रैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ डॉक्यूमेंट एरिया, डॉक्यूमेंट एरिया क्या होता है, डॉक्यूमेंट एरिया इज अ प्लेस, डॉक्यूमेंट एरिया एक ऐसा प्लेस है, जगह है, वेयर वी, जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, टाइप टाइप अवर टेक्स्ट, जहाँ पर हम अपने टाइप को, सॉरी टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आंसर भी। क्वेश्चन नंबर फाइव लास्ट है, व्हाट काइंड ऑफ टूल्स डज द स्टैंडर्ड टूल बार कंटेन, स्टैंडर्ड टूल बार में कौन कौन से किस टाइप्स के कंटेन होते हैं, इट कंटेन्स बटन, इसमें कौन कौन से बटन होते हैं, फॉर फ्रिक्वेंटली यूज कमांड इन एम एस वर्ड, जिसका हम क्या कर सकते हैं एम एस वर्ड में फ्रिक्वेंटली माने लगातार यूज करते रहते हैं, जो बराबर यूज होते रहते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार वो होता है जहाँ पर जो चीज़ों का
फाइल मेन्यू में जाऊंगा, अंदर भी मिल जाएंगे, फाइल मेन्यू के अंदर भी मिलेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड टूल बार वो होते हैं जो शॉर्टकट मांग सकते हैं, जैसे आइकन्स होते हैं ना उसी तरीके से होते हैं, तो वो क्या है शॉर्टकट फ्रिक्वेंटली जो लगातार यूज होते रहते हैं वो वहाँ पर शोर होते हैं, है ना, वो होता है स्टैंडर्ड टूल बार। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन आंसर भी फिनिश हो गए, बुक रीडिंग कर ली है, चैप्टर वैसे हमारा प्रीवियस क्लासेस में भी रीड किया हुआ था, तो जरा जल्दी फास्ट रीड करने की कोशिश की है। आप इसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से लर्न करो, एग्जाम की तैयारी करो। ओके, थैंक यू।